मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने पंजाब के उन किसान जत्थेबंदियों से प्रार्थना करते हुए ये अपील की है कि जिस तरह से उन्होंने 50 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाया था, उसी तरह 12 रुपए दाम बढ़ाने पर वो किसान नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी मिठाई खिलाएं। हरियाणा का इतिहास रहा है कि देश में सर्वश्रेष्ठ भाव किसानों को हम देते रहे, इस बार भी हमारा जो है ये रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। पंजाब ने पिछले 4 साल से 310 रुपये पंजाब में भाव था, एक रुपया नहीं बढ़ाया। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है, एकदम से 50 रुपये का उन्होंने जंप दिया और ये हमारे किसान जत्थेदार हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला के आए। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे हैं। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। दरअसल 4 दिनों तक किसानों द्वारा धरना देने के बाद पंजाब सरकार ने गन्ने का दाम 50 रुपए बढ़ाया था। 50 रुपए रेट बढ़ाने के बाद पंजाब के प्रति क्विंटल गन्ने का दाम 310 रुपए से सीधा छलांग लगाते हुए 360 रुपए पहुंच गया। गन्ने का ये रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा था। ऐसे में 350 रुपए गन्ने का भाव देने वाली हरियाणा सरकार ने भी गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला लिया और आज 12 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए पंजाब से 2 रुपए ज्यादा दाम तय कर दिए। इस फैसले के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि अब हरियाणा में पूरे देश से ज्यादा गन्ने का रेट है, इसलिए किसानों की वो जत्थेबंदियां जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाया था, वो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी मिठाई खिलाएं। जिन्होंने पंजाब को के मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाई, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी आज हमें खुशी है, आज किसान हितैषी फैसले कल हमारे प्रधानमंत्री ने लिए। सरसों का भाव 400 रुपये बढ़ाया, दालों के भाव हमने पहले से ही कर रखे हैं, चने का भाव बढ़ाया, गेहूं का भाव बढ़ाया, जौ का भाव बढ़ाया। मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे अच्छी है, डायरेक्ट पेमेंट हम करते हैं। किसान हमारे हरियाणा के वो समझते हैं कि हरियाणा सरकार से ज़्यादा किसान हितैषी नीति हमारे पड़ोसी प्रदेश की किसी की नहीं है। अब पंजाब और हरियाणा में गन्ने के भाव में सिर्फ 2 रुपए का अंतर है, लेकिन हरियाणा का 2 रुपए ज्यादा है, इसलिए जेपी दलाल अपने मुख्यमंत्री को किसानों के हाथों मिठाई खिलवाने के लिए उत्सुक हैं। खैर, यहाँ सवाल ये उठता है कि मंत्री जेपी दलाल लड्डू खिलाने की प्रार्थना पंजाब के किसान नेताओं से क्यों कर रहे हैं, जबकि गन्ने के बढ़े दाम का फायदा तो हरियाणा के किसानों को होगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।